today I'll be doing the second video of Companies Act. So far we have completed applicability and features of company. And in this video we'll be covering corporate veil and lifting of corporate veil. Make sure that you watch this entire video because it consists of 6 case laws and they are very, very important. So let's start. So first let's understand that what is a corporate veil. So we all know separate legal entity that members are different from the company. So the members are shielded with the liability connected to the company's activity. So ye jo shield hota hai na, this shield is known as the corporate veil. ठीक है तो now let's understand कि भाई corporate veil का concept आया कहाँ से and इसके लिए we'll refer to a case law that is Salmon versus Salmon. तो Salmon ने क्या किया, उसने एक company बनाई, ठीक है, एंड उस कंपनी के डिबेंचर्स अपने पास रख लिए, ठीक है, अपने पास ले लिए, खरीद लिए, अपने असेट्स देके उसने कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए. तो अब आगे जाके कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई. अब सब आ गए कि भाई सालमन भाई, सालमन भाई हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो. वो बोलते हैं किस बात के पैसे, मेरे पास है कंपनी के डिबेंचर्स, पहले मुझे पैसा मिलेगा, आई एम अ सिक्योर्ड क्रेडिटर. तो फिर इस केस में केस वगैरह चले एंड कोर्ट ने अनाउंस किया कि बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपनी, इट वाज हेल्ड कि सैल्मन विल बी पेड फर्स्ट. बट इस केस की वजह से फाउंडेशन हुई थी हमारी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कि ऐसे तो यार सभी करते जाएंगे, इस प्रॉब्लम को क्योर कैसे करें, ऐसे चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करें. तब आया था हमारा कॉन्सेप्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. सो देर आर वेरियस केसेस जिनको रेफर करके आई विल टेल यू दैट किन किन केसेस में हमारा जो वेल है, कॉर्पोरेट वेल है, वो लिफ्ट होता है. सो द फर्स्ट केस इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू और टैक्स, कि कोई भी इनकॉर्पोरेशन की गई है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस. तो इसके लिए वी रेफर द केस लॉ सर दिनशॉ मैनिक जी पेटी. तो इसमें क्या क्या था, दिनशॉ जी के पास इन्वेस्टमेंट्स थी जिससे बहुत सारा इंटरेस्ट मिलता था, बहुत ही सारा. तो उन्होंने अकलमंदी लगाई और उन्होंने 4 कंपनीज खोल दी और जो उनके पास इन्वेस्टमेंट्स थी जिस पे इंटरेस्ट आ रहा था, उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट्स उन कंपनीज के नाम कर दी. तो अब क्या हुआ, जो उनका इंटरेस्ट आ रहा था वो अब उन कंपनीज का रेवेन्यू अर्निंग हो गई, ठीक है, और उन्होंने बड़ी अकलमंदी लगाई और वो जो कंपनीज का रेवेन्यू था उन्होंने अपनी तरफ दोबारा डाइवर्ट कर दिया एक लोन की तरह, जो कि उन्होंने कभी रीपे नहीं करा, ठीक है. तो अब इस केस में क्या हुआ, जो उनका इनकम टैक्स था वो कम हो गया क्योंकि इंटरेस्ट फैक्टर जो था, जो इन इन्वेस्टमेंट से आ रहा था, वो तो उन कंपनीज के नाम हो गया था और उनकी तरफ आ रहा था एज अ लोन. तो अब इनकम टैक्स लायबिलिटी उनकी कम हो गई. तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो कंपनीज उन्होंने बनाई है, दिनशॉ जी ने जो कंपनीज बनाई है, ये अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए बनाई है. तो इस केस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया गया एंड जो इंटरेस्ट आ रहा था इन्वेस्टमेंट्स पे वो उनकी इनकम की तरह ट्रीट करा गया. डन. नाउ नेक्स्ट कम्स इज इनकॉर्पोरेशन डन टू फॉर सम फ्रॉडुलेंट और इम्प्रॉपर कंडक्ट और एनी डिफीट ऑफ लॉ, ठीक है. बेसिकली किसी भी इलीगल या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, सो उस केस में वेल लिफ्ट होगा. नाउ लेट्स रेफर टू अ केस दैट इज गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेज हॉर्न. तो हॉर्न वॉज अ एम्प्लॉय इन गिलफोर्ड मोटर कंपनी, ठीक है, एंड इट हैड अ कॉन्ट्रैक्ट कि आफ्टर लीविंग हॉर्न विल नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ गिलफोर्ड मोटर कंपनी. तो हॉर्न ने कंपनी छोड़ी एंड उसके बाद हॉर्न ने कंपनी बनाई एंड उसने उस कंपनी के नाम में जो कस्टमर्स थे उनको सॉलिसिट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. तो इस केस में द वेल वॉज लिफ्टेड एंड इट वॉज सेड कि भाई जो आपने कंपनी बनाई है वो कंपनी ऐसे गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकती बिकॉज यू हैड अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड इस केस में वेल इसलिए लिफ्ट हुआ था क्योंकि वो लीगली बाउंड था
उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए, बट उसने तोड़ दिया, उस कंपनी की फॉर्मेशन से वो कॉन्ट्रैक्ट टूटा, इसलिए कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हो गया. डन. सो द थर्ड पॉइंट इज टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज कि वो एक एनिमी है या फिर एक फ्रेंड है. एंड ये डिटरमाइन करने के लिए वी हैव टू डू अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, तो इसको एक केस लॉ से समझते हैं, दैट इज डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक जर्मन कंपनी थी जिसने इंग्लैंड में एक कंपनी बनी. ठीक है, तो इस इंग्लैंड कंपनी के सारे डायरेक्टर्स जर्मनी के थे. इस इंग्लैंड कंपनी के सारे शेयर्स जर्मन कंपनी के पास थे. अब हो गया हमारा वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है, तो इंग्लैंड में जो कंपनी थी उसने बाकी सारी का उधर की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे अपनी वर्किंग के लिए. अब वर्ल्ड वॉर वन के टाइम जो हमारी इंग्लैंड की कंपनी थी उसने ट्राई किया कि मेरे जितने भी पैसे मैंने इधर उधर दिए वो सारे मुझे मिल जाए, बट इस केस में उसको पैसे नहीं दिए गए थे बिकॉज उसका जो जर्मन जो उसकी जो होल्डिंग थी इट वॉज अ जर्मन कंपनी एंड ये दोनों एलियन एनिमीज थे. सो इट वॉज हेल्ड कि भाई आपको हम पैसे नहीं दे सकते क्योंकि अगर हमने आपको पैसे दिए तो इनडायरेक्टली वी आर पेइंग फॉर योर वेपन्स बिकॉज यू नो एनिमी एलियन एनिमी है. ठीक है, वॉर जोन में अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइक वॉर हो रही है तो पाकिस्तान हमारी एलियन एनिमी है. ठीक है, सो दैट इज द एंटायर थिंग कि अगर वो हमारे एलियन एनिमी है तो उस केस में हमने कॉर्पोरेट वे लिफ्ट किया एंड उनकी जो लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट थी वो हमने इवेट कर दी. एंड नाउ कम्स द सेकेंड लास्ट पॉइंट, दैट इज इनकॉर्पोरेशन टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन. फॉर दिस वी रेफर अ केस लॉ, दैट इज वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ था, बोनस एक्ट 1995 सेड कि जो वर्कमैन का बोनस होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है, तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया, उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई. ठीक है, और उनकी बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट थी जिनसे उनका सारा कहते हैं इंटरेस्ट आता था, तो सारा प्रॉफिट आता था. तो उन्होंने क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट अपनी सब्सिडरी के तरफ ट्रांसफ़र कर दी. तो अब उन्होंने सब्सिडरी की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र की तो उनका प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है, इम्प्लाइंग कि जो होल्डिंग थी उसका प्रॉफिट कम हो गया. अब होल्डिंग का प्रॉफिट कम हुआ तो जो होल्डिंग के वर्कमैन थे उनका बोनस कम हो गया. सो इट वॉज हेल्ड कि जो सब्सिडरी कंपनी आपने बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि आपका बोनस लाइबिलिटी कम हो. तो इस केस में कॉर्पोरेट वे लिफ्ट करा था उन्होंने एंड फिर जो सब्सिडरी का जो क्या कहते हैं इनकम थी इट वॉज कंसिडर्ड एज द होल्डिंग्स इनकम एंड उनको बोनस जो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ बोनस था वो दिया गया था. हेयर कम्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स. तो इसमें ऑब्वियसली वी रेफर अ केस लॉ, दैट इज मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन. अब इसमें क्या हुआ था कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसे अपने व्हीकल्स के लिए लाइसेंस चाहिए था बट उसे मिल नहीं पा रहा था. तो उसने क्या किया, उसने एक सब्सिडरी कंपनी बना ली. वही एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और सारे व्हीकल्स के जो ट्रांसपोर्ट पेपर्स थे उस सब्सिडरी कंपनी के नाम कर दिए. अब और उसने ट्राई किया कि उस वो जो कंपनी थी सब्सिडरी कंपनी थी उसके नाम पे उसे लाइसेंस मिल जाए. तो कोर्ट ने ये बोला कि आपने जो सब्सिडरी बनाई है वो आपने लाइसेंस लेने के लिए ही बनाई है जो कि आपको बिकॉज ऑफ सम लॉफुल रीजंस हम नहीं दे रहे थे. ठीक है, तो इसलिए हम कॉर्पोरेट वे लिफ्ट करते हैं और आपकी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को एक ही यूनिट मानेंगे एंड आपका लाइसेंस को रिजेक्ट करेंगे. सो दैट्स इट गाइस, वी आर डन विद द एंटायर कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट. आई हैव गिवन द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो देयर, डाउनलोड इट एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड यू विल बी डन विद दिस टॉपिक.
So if you like this video, just like, share and subscribe. Thank you.